स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, उत्तल लेंस की सहायता से किरण आरेख खींचना जब वस्तु फोकस पर स्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, आप एक सीधी रेखा खींच लेंगे इस तरह से। सीधी रेखा आपने खींच लिया, इसके बाद में यहाँ इसके मध्य में यहाँ एक उत्तल लेंस बना दीजिए इस तरह से। ठीक है ना, एक उत्तल लेंस बन गया। इसके पश्चात ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र सी, ये आपका एफ हो गया, ये आपका हो गया टू एफ, ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका टू एफ। ठीक है ना, ये एफ सॉरी ये एफ ये टू एफ, ये हो गया एफ डैश, ये हो गया टू एफ डैश। ठीक है, वस्तु कहाँ है, फोकस पर है, तो फोकस पर है तो फोकस पर ऐसे रहेगा। ठीक है ना, तो फोकस पर है तो किरण आरेख खींचने के तीन कंडीशन है, एक फोकस से जाएगा, समांतर जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से जाएगा। तो फोकस से जाने का कोई चांस नहीं है, चूंकि वस्तु फोकस पर ही रखा गया है, तो क्या होगा, समांतर जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से जाएगा। तो जो समांतर जाएगा इस तरह से, जो समांतर जाएगा वो क्या होगा, मुख्य फोकस से आएगा। और ये समांतर मान लीजिए जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है ना, तो ये कहां से आएगी, फोकस से आएगी। कहां से आएगी, फोकस से। तो ये आपका हो गया फोकस। ठीक है ना, ये फोकस से निकल जाएगी। ठीक, इसके बाद में कुछ किरण ऐसी भी होगी जो प्रकाशीय केंद्र से आएगी। तो जो प्रकाशीय केंद्र से आएगी, ठीक है ना, वो सीधे उसी मार्ग पर क्या होगी, जो प्रकाशीय केंद्र से आएगी वो सीधे उसी मार्ग पर निकल जाएगी इस तरह से। ठीक है ना, जो प्रकाशीय तो इस तरह से निकल जाएगी। ये वाला थोड़ा टेढ़ा हो गया है, एक मिनट जाइए, ये टेढ़ा हो गया था ये। ठीक है ना, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये जो किरण है ये आपकी कैसी होगी, थोड़ा जो समांतर जाएगी वो फोकस से जाएगी, फोकस में से होकर जाएगी, और जो प्रकाशीय केंद्र से में से होकर जाएगा वो सीधे निकल जाएगा। तो अपवर्तन के पश्चात आप देख सकते हैं ये दोनों किरणें समांतर हो जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है ना, और अनंत पर बनेगा। जब कोई वस्तु अनंत पर है, अनंत मीन्स बहुत दूर है, और फिर भी आपको दिखाई दे रही है, मतलब ये हुआ वस्तु बहुत बड़ा होगा, अर्थात इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा हुआ वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये रेखाएं दोनों क्या हो गई हैं, समांतर अपवर्तन के पश्चात। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।